लेकर दिया है। आज हम फादर दीपक का जन्मदिन मनाते हैं। हम लोगों को पता नहीं था, पर हम लोग वहाँ पर हम लोग पारी लाने गए तो हम लोग को पता चला कि फादर का बर्थडे है। आज फादर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनके जन्मदिवस के लिए, और साथ में उनकी माँ और बहन के लिए प्रार्थना करते हैं आत्मा शांति के लिए। स्वर्ग राज में परमेश्वर और पापा और भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, जो है उन लोगों के अच्छे स्वास्थ्य लाभ के लिए, पढ़ाई लिखाई करने और जितने भी भाई बहन हैं वो सब उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और फादर दीपक को आज बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनके जन्मदिवस के लिए कि आया नाम भी ऐसे कि फादर दीपक आग की तरह जलती रहे, इसलिए फादर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो हम लोग एक छोटा सर्विसिंग सॉन्ग गाते हैं और फादर को लेते खुश करते हैं। देने के लिए कोशिश नहीं किया कि आज मेरा बर्थडे है, लेकिन थोड़ा सा क्लू दिया था, पता नहीं समझने वाले समझे होंगे नहीं समझे नहीं समझे होंगे। तो आप सभी ने एक अच्छा विशेष सॉन्ग गाया है, ये लोग फूल दिया लेकिन आप सभी के तरफ से है, ना कि मेरी अग्नि भी है बल्कि आप सभी की ओर से है ना, इसीलिए मैं आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अब प्रार्थना करता हूँ कि आप
जिस प्रकार गाना जाए दिल से ही आए उसी प्रकार आप खुल करके जिंदगी को जिए और उस प्रकार लाइफ को एंजॉय कीजिए और आप अपने जीवन में सदा आगे बढ़ते जाएंगे। गुरुजनों का बात को माने, माता पिता का बात को माने और अपने जो भी चुनौतियां हैं उस चुनौतियों से आप आगे नहीं बल्कि उसका सामना करें और ऊपर वाले पर आस्था विश्वास रखकर आप अपने जिंदगी में आगे बढ़ने का हर सक आप प्रयास करें। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो मैं सोचता हूँ आप जिंदगी में आगे बढ़िएगा और एक संतुष्टि का जिंदगी आप जी पाइएगा। मेरे चंद सज्जन के साथ में अपना छठा सज्जनदिन के अवसर पर इस संदेश को मैं समाप्त करता हूँ। आप सभी को सब कुछ के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।